Dear students, assalamu alaikum. We are going to start class 6, lecture 18, which is based on unit 8, Introduction to Algebra, exercise 8D. जी स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने लगे एक्सरसाइज ए डी, जो हमारे पास है एवोल्यूशन प्रोसेस. एवोल्यूशन प्रोसेस क्या है? द प्रोसेस ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग नंबर ऑफ फॉर वेरिएबल्स इन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टू ऑब्टेन एन आंसर इज कॉल्ड एवोल्यूशन. एवोल्यूशन प्रोसेस में क्या होगा, हमारे पास वेरिएबल्स के अगेंस्ट हमारे पास कुछ नंबर्स दिए गए होंगे जिनको हमने क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है उस वेरिएबल के साथ, और उसके बाद हमने आंसर उसको हासिल करना है. जैसे मैंने एग्जांपल में दिया है, देखें एक्स एक वेरिएबल है, उसका जो मैंने जो सब्स्टिट्यूशन नंबर दिया हुआ वो 2, वाई का सब्स्टिट्यूशन नंबर दिया हुआ 3, और अगर मुझे कहते हैं कि एवेलुएट करें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो दी हुई है एक्स प्लस वाई, तो एक्स की जगह पे मैं 2 पुट कर दूंगा, वाई की जगह पे 3 पुट कर दूंगा, तो 2 प्लस 3 हमारे पास जो आंसर आ जाएगा एवेल्युएशन का वो 5 आ जाएगा. तो इस तरह का हम क्या करेंगे, इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर हमें एक्स वाई जेड ए बी सी उनका कुछ नंबर्स दिए हुए होंगे, उसके आंसर्स दिए हुए होंगे, उनको हमने क्या करना है, नंबर को गिवन है जो वेरिएबल की जगह पे पुट करेंगे और उसके आंसर्स को कलेक्ट करेंगे. इस प्रोसेस को हम कहेंगे एवेल्युएशन प्रोसेस. जी दोस्तों, एक्सरसाइज ए डी का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, इफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 3, वाई इज इक्वल टू 5 एंड जेड इज इक्वल टू माइनस 2, एवेल्युएट द फॉलोइंग. एवेल्युएट द फॉलोइंग में फर्स्ट पार्ट हमारे पास जो है एक्स प्लस वाई माइनस जेड. देखिए एक्सप्रेशन दी हुई है जिसके टर्म्स है एक्स प्लस वाई माइनस जेड, और हमारे पास जो जो एवेल्युएशन में जो नंबर दिए हुए हैं, एक्स की जो वेरिएबल की वैल्यू दी हुई है माइनस 3, वाई वेरिएबल की वैल्यू दी है 5, जेड की वेरिएबल की वैल्यू दी हुई है माइनस 2. हमने क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है. मैंने कहा अभी सब्स्टिट्यूशन मैटर है कि हमने क्या करना है, हर वेरिएबल के अगेंस्ट में कुछ नंबर दिया हुआ होगा वो हमने सब्स्टिट्यूशन में उसके अंदर पुट कर देना है और उसका आंसर हमने निकालना है प्लस माइनस और डिवाइड मल्टीप्लाई करके. तो क्या करेंगे, अभी यहां पे देखें एक्स प्लस वाई माइनस जेड लिखा हुआ है हमने, एक्स की जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगा, देखिए यहां पे इसको सॉल्व करना शुरू करता हूं. एक्स की जगह पे मैं पुट कर दूंगा माइनस 3 प्लस वाई की जगह पे 5, माइनस है यहां पे एक्सप्रेशन के अंदर, और जेड की जगह पे माइनस 2. अब हम रूल्स के मुताबिक इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे. जैसे देखें ये वाला ये वैल्यू माइनस 3 एज इट इज आ जाएगा, प्लस 5 एज इट इज आ जाएगा, यहां पर देखें माइनस और माइनस ये आ जाएगा प्लस 2 आ जाएगा. अब क्या आ जाएगा, जो दो वैल्यू प्लस की हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 3 प्लस 7, माइनस 3 और प्लस 7 क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 7 में से 3 को माइनस करें तो हमारे पास प्लस 4, हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा. हमने क्या किया, एवेल्युएट कर दिया उसको एवेल्युएशन प्रोसेस में लेके आए, और उसके आंसर क्या आएगा हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद प्लस 4 हमारे पास आंसर आ गया. जी दोस्तों, एक्सरसाइज ए डी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 हमारे पास है. देखिए एक्सप्रेशन दी हुई है 2x माइनस 3y प्लस जेड, हमने इसको एवेल्युएट करना है, x की वैल्यू माइनस 2, y 5 एंड जेड की वैल्यू माइनस 2 है. मैं यहां पे इसको सॉल्व करता हूं, क्या आ जाएगा हमारे पास, देखें 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस 3 पुट कर दी x की जगह पर माइनस 3, y की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, 5 पुट कर दिया, प्लस जेड यहां पे जेड की जगह पे माइनस 2 पुट कर दिया. मैंने सिर्फ क्या किया, उसकी जो वेरिएबल्स हैं उनके जो नंबर दिए हुए थे, वेरिएबल की वैल्यूज दी हुई थी वो मैंने पुट की है, एक्स वाई और जेड की वैल्यू पुट कर दी. अब मैं इनको सिंप्लीफाई करूंगा, देखें कैसे सिंप्लीफाई होंगे, 3 टू जार 6 माइनस 6 आ जाएगा ये, यहां पे 5 थ्री जार 15 माइनस 15 आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 2 आ जाएगा. सारी वैल्यूज माइनस की है, देखे क्या आ जाएगा. अब मैं इसको यहां पर सॉल्व करता हूं, माइनस 6 माइनस 15 क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 21, माइनस 21 आ गया हमारे पास, माइनस 21 आएगा, क्या आ जाएगा फिर उसके बाद, माइनस 2 उसमें और कर दे, माइनस 2 और ऐड कर दिया, माइनस माइनस प्लस होता है साइन माइनस का आएगा माइनस 23. सारी वैल्यूज को हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये है माइनस 23, और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास एवेल्युएट करने के बाद इसका आंसर क्या आया, माइनस 23. जी तो स्टूडेंट, हमारे पास इसका पार्ट 3 हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड ओवर जेड स्क्वायर. मैंने फिर वही बात है, वैल्यूज पुट करनी है, एक्स वाई और जेड की सब्स्टिट्यूशन वैल्यूज जो हमारे पास गिवन है, एक्स की जो नंबर गिवन है माइनस 3, वाई माइनस 5, जेड माइनस 2, मैंने यहां पे पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखें एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब है माइनस 3 का स्क्वायर आ जाएगा यहां पर, माइनस वाई जेड, वाई जेड का क्या आ जाएगा, वाई की वैल्यू 5 है, जेड की वैल्यू माइनस 2 है, उसके बाद ओवर में आ जाएगा जेड स्क्वायर का मतलब है जेड की वैल्यू माइनस 2 का स्क्वायर आ गया हमारे पास. अब देखें माइनस 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या आता है जी, माइनस 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दें, माइनस ये क्या आ जाएगा 5 और माइनस 2 एज इट इज लिख दिया मैंने, और नीचे भी 2 का स्क्वायर जो है माइनस 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दें. अब देखें हमारे पास क्या आ जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस 3 इज 9, प्लस 9 प्लस माइनस 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 क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा प्लस, 5 टू 10 और नीचे 2 टू 4, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 10 और 9 19, 19 बाय 4 इज द प्रोसेस, हमने क्या किया इसको एवेल्युएट किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 19 बाय 4 इज द
आंसर। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट फोर हमारे पास है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ओवर एक्स वाई जेड। हमने क्या करना है, एवोल्यूशन प्रोसेस में हमने इनकी वैल्यूज पुट करनी है और इसका आंसर निकालना है। क्या होगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, माइनस थ्री का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, प्लस वाई स्क्वायर का मतलब क्या आ जाएगा, फाइव का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, जेड स्क्वायर का मतलब क्या आ जाएगा, प्लस माइनस टू का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। और नीचे ओवर में क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड के एक्स की वैल्यू माइनस थ्री, वाई की वैल्यू फाइव एंड जेड की वैल्यू माइनस टू। अब मैं इनको सॉल्व सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, थ्री का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, माइनस थ्री को टू टाइम मल्टीप्लाई कर दें, प्लस फाइव का स्क्वायर क्या होगा, टू टाइम फाइव को मल्टीप्लाई कर दें, और प्लस माइनस टू का स्क्वायर का क्या मतलब है, माइनस टू को टू टाइम मल्टीप्लाई कर दें। और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, फाइव टू जेड टेन, टेन जेड सेट थर्टी आ जाएगा। अब इनको भी सिंप्लीफाई करते हैं, नाइन प्लस ट्वेंटी फाइव प्लस फोर, देखिए माइनस माइनस प्लस नाइन आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस फोर आ जाएगा ओवर थर्टी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका ट्वेंटी फाइव और फोर ट्वेंटी नाइन, नाइन थर्टी एट, थर्टी एट बाय थर्टी, या इसको कहेंगे टू से कैंसिल करें, टू वन जर टू, टू नाइन जर एटीन, नाइनटीन बाय फिफ्टीन, बोथ आंसर आर राइट, 38 बाय 30 और 19 बाय 15 हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आ गया। जी स्टूडेंट्स, लेक्चर 18 का हमारे पास होमवर्क या होम टास्क क्या है, एक्सरसाइज 8D का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 से पार्ट 4 जो अभी सॉल्व किया है, आपने नीट क्लीन एंड क्लियर अपनी कॉपीज पे सॉल्व करना है।